नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ मशरूम आलू से बने बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके से रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पर एक पैकेट मशरूम, और एक मशरूम को इस तरीके से मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है। मशरूम आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ ही लिया मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू, और आलू को इस तरीके से हम बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आलू अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी मसाला बनाते टाइम बता दूँगी। सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम आलू डाल के 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम करके आलू को फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट, जब तक आलू का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे, आपको ये मशरूम की सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। 3 से 4 मिनट हो गए आलू को फ्राई करते हुए, आलू का कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है, हम निकाल लेंगे। तेल जैसे गर्म हो जाए हम डालेंगे एक टुकड़ा दालचीनी के, 3 लौंग, 4 से 5 ब्लैक पेपर और 2 छोटी इलायची। साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। लो फ्लेम में हम फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके। प्याज को 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक प्याज का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। प्याज जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे और डालेंगे ड्राई मसाले। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और साथ ही डालेंगे हम 2 टमाटर के पेस्ट। थोड़ा सा हम जार में पानी डाल के डाल देंगे मसाले में, और मसाले को 4 से 5 मिनट तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। चार से पाँच मिनट मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। मसाले जैसे ही अच्छे से भून जाए साइड से तेल अलग दिखने लगे, हम डाल देंगे यहाँ पे मशरूम और जो हमने आलू को फ्राई करके रखे थे। आलू और मशरूम को एक साथ हम 5 मिनट भूनेंगे ताकि आलू हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी हल्का तवे में रोस्ट करके। डालेंगे हम 1/2 चम्मच गरम मसाला, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रख के हम ढक के भूनेंगे 4 से 5 मिनट, और बीच में खोल के आप 1 से 2 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 5-6 मिनट हो गए हमें लो फ्लेम में मशरूम को भूनते हुए। मशरूम अच्छे से हमारा भून चुका है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 1/2 कप पानी। पानी हम उतना ही डालेंगे जितने में आलू अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाए। पहले हम ग्रेवी में एक बॉईल आने देंगे, और फिर गैस का फ्लेम मीडियम करके हम सब्जी को ढक के पकाएंगे 5-6 मिनट के लिए। जैसे ही ग्रेवी में बॉईल आ जाए पैन को कवर कर दीजिए 5-6 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए, आलू मशरूम अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है। लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, और खोल के हम सब्जी को 2 मिनट के लिए हल्का ड्राई कर लेंगे। और ये मशरूम की सब्ज़ी आपको देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, एक बार खाएंगे ना बार बार इसी तरीके से आप बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए पूरी तरीके से हमारा मशरूम आलू ड्राई हो चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सब्जी को सर्व कर लेंगे हम एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।